बिहार के गया से सनसनीखेज खबर आ रही है। गया के धामी टोला स्थित एक बैंक की शाखा में कार्यरत युवती ने बैंक प्रबंधक पर यौन शोषण का आरोप लगाया है। घटना की शिकायत गया के कोतवाली थाने में दर्ज कराई गई है। मामले पर बात करते हुए पीड़िता ने बताया कि पिछले कई वर्षों से लगातार बैंक प्रबंधक द्वारा शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की जा रही थी, और जब पीड़ित युवती के साथ बैंक प्रबंधक ने जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की तो खुद को बचाने के लिए पीड़िता ने बैंक प्रबंधक के साथ हाथापाई की, जिसमें पीड़िता घायल हो गई। पीड़िता को गया के जयप्रकाश नारायण अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पूरी घटना पर पीड़िता ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। सेंट्रल बैंक धामी टोला में जुलाई 2019 से काम कर रहे हैं। वहाँ जब से हम गए हैं तब से वहाँ के ब्रांच मैनेजर सुरेश कुमार मेरे साथ अश्लीलता कर रहे हैं। वो मुझे मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहते हैं, जिससे खुला खुला उन्होंने मुझे बोला कि उनकी ऐसी मंशा है। मैंने साफ साफ मना कर दिया। जब मैंने मना कर दिया तो उन्होंने मुझे हर तरह से हरास करने का कोशिश किया, मेंटल टॉर्चर, फिजिकल टॉर्चर। एक दिन जो है अगस्त में, 26 अगस्त को हम सारे स्टाफ जब घर चले गए तो मुझे जो है वो रोक करके रखा और एक घंटा केबिन में बिठा करके मेरे को यही बात बोला कि उसकी क्या मंशा है। जब मैंने मना किया तो उसने मेरे साथ ज़ोर ज़बरदस्ती किया। किसी तरह हम अपने आप को बचा करके वहाँ से भागे। इसका फिर मैंने उसने उस दिन मेरा वीडियो भी बनाया था और मुझे धमकी दिया था कि अगर किसी को कुछ बोलोगी तो तुम्हारी माँ को नुकसान पहुँचाएंगे और तुम्हारा वीडियो वायरल कर देंगे। आपके साथ वो गलत किया है? जी हाँ, वो मेरे साथ पकड़ा पकड़ी, हर संभव प्रयास कोशिश किया कि किसी तरह हम उसका बात मान लें, लेकिन हम अपने आप को किसी तरह बचा करके वहाँ से निकले। फिर भी मैंने इसकी शिकायत रीजनल ऑफिस में की, लेकिन वहाँ का कोई नहीं सुनवाई हुआ। वहाँ कल फिर मेरे साथ ब्रांच मैनेजर ने शाम को 5:30 के बीच में फिर से ज़ोर ज़बरदस्ती किया। फिर मैं वहाँ किसी तरह से बच के निकली और मैंने अपनी माँ को सूचित किया। मैं और मेरी बूढ़ी माँ, मेरी माँ 70 साल उम्र की है, मेरे पिताजी नहीं है, ना मेरा कोई भाई बहन है, हम लोग दोनों अकेले हैं। मेरी माँ और हम रीजनल मैनेजर के पास कंप्लेन करने गए तो उन्होंने मेरी माँ के साथ, जो कि 70 साल की, उसके साथ भी बदसलूकी किया। उसको चैम्बर से बाहर निकाल दिया धक्का दे, और मेरे साथ भी बदसलूकी की और मुझे सीधे सीधे धमकी दिया कि अगर तुम ब्रांच मैनेजर का अश्लीलता को पूरा नहीं करोगी तो तुमको हम अभी सस्पेंड कर देंगे, अभी के अभी चार्जशीट कर देंगे, तुमको उसका हर बात मानना है, और हमको भी मैन हैंडल करने का कोशिश किया। जब हम फिर बाहर, इतना सब टॉर्चर होने के बाद हम बाहर निकले तो मेरा सर टकराया वहाँ पे दीवार है रीजनल ऑफिस में उससे, और हम गिर गए। मम्मी चिल्लाने लगी, तब जाकर के ऊपर से बहुत सारे लोग आए, तब रीजनल ऑफिस के लोग सब निकले, लेकिन किसी ने मुझे जो है हॉस्पिटल नहीं पहुँचाया। मेरी माँ अकेले जो है वो मुझे लेकर के यहाँ हॉस्पिटल में आई और पिलरी में भर्ती किया। आज तक रीजनल ऑफिस का कोई भी स्टाफ मुझे देखने नहीं आया। अच्छा, आप बैंक में कौन पोस्ट पर थे? आप क्या? मैं सहायक प्रबंधक के पोस्ट पे हूँ और सुरेश कुमार जो है वो शाखा प्रबंधक है, और हमारे रीजनल मैनेजर अजय प्रकाश, वो दोनों मिले हुए हैं। दोनों मिल करके हम पे अत्याचार कर रहे हैं और हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि दोनों का अश्लीलता को हम पूरा करें, लेकिन हम इसका प्रोटेस्ट कर रहे थे। और अभी मैंने जो है कल पुलिस को इन्फॉर्म किया है, अपना स्टेटमेंट दिया है, और आज मुझे FIR की कॉपी मिल जाएगी। अब पुलिस क्या कार्रवाई की अभी तक? पुलिस जो है उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि आपका FIR लॉन्च होने के बाद जो है वो हम उन पर उचित कार्रवाई करेंगे। अब क्या चाहती हैं आप? हम चाहते हैं कि वो ब्रांच मैनेजर को सस्पेंड किया जाए। मेरे पास सारा प्रूफ है अश्लीलता का, हम सारे प्रूफ रीजनल मैनेजर को दिखा चुके हैं, लेकिन वो देख करके भी नहीं मानना चाहते क्योंकि वो उनसे मिले हुए हैं। हम तो चाहते हैं ब्रांच मैनेजर को तुरंत की तुरंत सस्पेंड किया जाए, ताकि किसी लड़की के साथ आगे से ऐसा अत्याचार नहीं हो, किसी लड़की को गलत काम करने पर मजबूर नहीं किया जाए। वहीं इस घटना के बारे में बैंक प्रबंधक सुरेश कुमार ने इस बात का हवाला देकर कोई जवाब नहीं दिया कि मीडिया के समक्ष उनके पास बात करने की अनुमति नहीं है। इस मामले पर कोतवाली थाना प्रभारी रमाकांत तिवारी ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। सेंट्रल बैंक कर्मचारी के सर यौन शोषण का मामला है सर, उस पर क्या कार्रवाई की जा रही है सर? वो अपना FIR कल रात में दी है, उस पर FIR हो गया, इन्वेस्टिगेशन होगा, देखा जाएगा, वो आरोप लगाई है।
ऐसे ऐसे हम छेड़खानी करते थे, मानसिक प्रेशर करते हैं, FIR हुआ है। उनकी गिरफ्तारी भी किया? नहीं अभी अनुसंधान बाद, तो मामला कुछ है आपसी। गया से अनुपम सिंह की रिपोर्ट के साथ मैं अरुण तिवारी। Thank you.